श्री साईं बाबा का आशीर्वाद लेने हजारों भक्त रोज शिरडी आते हैं और इनमें से बहुत से लोग जो साईं प्रसादालय में जाकर साईं का भोग ग्रहण करते हैं। साईं प्रसादालय श्री साईं बाबा समाधि मंदिर से कुछ ही दूर पर एक बहुत बड़ा भोजन कक्ष है जहां आप पैदल भी जा सकते हैं। जब तक साईं बाबा शिरडी में रहे तब तक वो हर भूखे इंसान, जानवर, पंछी और जीव जंतु को भोजन खिलाया करते थे। यह प्रसादालय साईं के मुफ्त भोजन के सिद्धांत को सभी तक पहुंचाता है और इसे एशिया का सबसे बड़ा प्रसादालय माना जाता है। साईं प्रसादालय में खाने वालों की संख्या हजारों में है और त्योहारों के समय यहाँ काफ़ी भीड़ बढ़ जाती है। इस प्रसादालय का एक ही उद्देश्य है कि कोई भी भूखा ना रहे। यहाँ सभी को मुफ्त में खाना खिलाया जाता है। साईं संस्थान से बस की सेवा भी है जो भक्तों को मंदिर से प्रसादालय तक लेके आते हैं। प्रसादालय साफ सफाई के मामले में भी बहुत अच्छा है। यहाँ पर खाना परोसने के लिए कई लोग हैं जो अपना काम पूरी दिल लगा कर करते हैं। यहाँ पर 3000 से ज़्यादा लोगों की बैठने की व्यवस्था है। प्रसादालय के थाली में दाल, चावल, चपाती, सब्जी, सूजी का हलवा होता है। फ्रेंड्स, मैं यहाँ शिरडी आई हुई हूँ। प्रसादालय में मैंने प्रसाद खाया। मैं जब भी शिरडी आती हूँ मुझे साईं प्रसादालय आना बहुत पसंद है। आप भी जब शिरडी दर्शन को आए तो साईं प्रसादालय में आके प्रसाद जरूर ग्रहण करें। तो फ्रेंड्स, साईं बाबा का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे यही प्रार्थना है। मैं इस वीडियो का एंड करती हूँ और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।